अरे प्रभु के पाठक जी का कार्य वही जाने, किस तरीके से वो बिहार में कार्य करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी इन गलत बातों को, गलत फैसलों को और आए दिन उनके विवादित फैसलों को क्यों संरक्षण देते हैं, वो के पाठक जी जानते। शिक्षकों की जो लड़ाई एक लंबे समय से चलती आ रही है, बिहार सरकार ने उनके साथ पूर्णतः अन्याय करने का काम किया है, इसके लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो हम लोग साथ में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरह से 22,000 शिक्षकों के जो बीएड के शिक्षक हैं और छठे चरण के जो शिक्षक हैं उन पर जो फैसले आए हैं और जिस तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाले देते हुए जो फैसला सुनाया गया है, जिसको लेकर जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, जिसको लेकर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी उन शिक्षकों के साथ आ गए और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उन शिक्षकों के साथ कोर्ट जाएंगे। और जिस तरह से के पाठक के द्वारा जो शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी कर रहे हैं उसको लेकर भी खूब बरस रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पर सुनिए उनके बातों को क्या कुछ करें। के पाठक जी तरीके से शिक्षा विभाग को लेकर, अरे प्रभु के पाठक जी का कार्य वही जाने, किस तरीके से वो बिहार में कार्य करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी इन गलत बातों को, गलत फैसलों को और आए दिन उनके विवादित फैसलों को क्यों संरक्षण देते हैं, वो के पाठक जी जाने। और उनके कई नेता है, कांग्रेस के कई नेता है जो के पाठक के विरोध कर रहे हैं, कहे इस्तीफे की मांग करेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री जी को संज्ञान नहीं ले रहे। तो भाई मुख्यमंत्री बताया ना कि क्यों इनके इतने दुलारू हैं ये, जब उनका विरोध बिहार की जनता तक करती है, उनकी नीतियों को लागू करने के बाद जब वापस लेना पड़ता है, विवाद होते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं। वही बीएड के 22,000 शिक्षक हैं, उनके गर्दन पर तलवार लटके हुए हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, जितने शिक्षक हैं उनको साथ में लेकर सरकार के लोग भी मदद करें हमारे। भाई बिल्कुल ये होना चाहिए, बल्कि हम लोग भी पूरी तरीके से इनके साथ हैं। हकीकत है कि बिहार में ये दोहरी नीति ही अपनाई जाती है, जहाँ एक तरफ आपको झुंझुना दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ आपके हक अधिकार आपसे छीने जाते हैं। शिक्षकों की जो लड़ाई एक लंबे समय से चलती आ रही है, बिहार सरकार ने उनके साथ पूर्णतः अन्याय करने का काम किया है, इसके लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो हम लोग साथ में जाएंगे। आप लोग भी जाइएगा पूरी तरीके से उनके साथ, 22,000 अभ्यर्थियों के साथ हैं चिराग जी पूर्णतः। आपने सुना क्या कुछ कर रहे हैं क्षेत्र चिराग पासवान, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से के पाठक के द्वारा जो फरमान लाए जा रहे हैं और जो तमाम जनता है वो भी परेशान है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने चहेते अधिकारी क्यों हैं, और जिस तरह से जो 22,000 शिक्षकों के पर जो नौकरियों के पर उनके तलवार लटकी हुई है उसको लेकर भी चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कोर्ट जाएंगे, और जिस तरह से जो पटना हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहते हुए कह रहे थे कि जिस तरह से बीएड धारक हैं उनको अब 1-5 में नहीं नौकरी रखा जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो शिक्षक परेशान थे उसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो साथ उतर गई है, और सरकार के द्वारा भी ये कहना है कि हम लोग पटना हाई कोर्ट में रिपिटिशन भी डालेंगे, लेकिन अब देखने वाले होंगे जिस तरह से 22,000 जो शिक्षक हैं वो परेशान दिख रहे हैं और जिस तरह से वो फैसले आए उस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।